हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल, और कंस्ट्रेंट्स एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये इंपॉर्टेंट चार तरीकों से है। सबसे पहला, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की बात करें उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक गेट, नेट, KVS, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है उसमें इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज अगर DBMS के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं SQL को, तो SQL के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। और फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है ओरेकल सर्टिफिकेशन के लिए, मतलब अगर आप OCA सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो उसमें SQL जो है आपको बेसिक आनी चाहिए, और कंस्ट्रेंट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स इन SQL। तो कंस्ट्रेंट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट का मतलब है कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं डेटाबेस में, मतलब डेटाबेस के अंदर हम डेटा डालने से पहले कुछ कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि यूजर अब डेटा उस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही ऐड कर पाए। एक सिंपल से रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं जीमेल का, सबके पास जीमेल का अकाउंट तकरीबन होगा, जीमेल का नहीं है तो याहू मेल का होगा, कोई ना कोई मेल अकाउंट हमारे पास है। अब मेल अकाउंट में जब हम यूजर नेम क्रिएट करते हैं, जब हम मेल आईडी क्रिएट करते हैं, तो मेल आईडी में लाइक मैंने अपना नाम डाल दिया varunsingla@gmail.com। जब हम varunsingla@gmail.com डालते हैं तो हम चेक करते हैं कि क्या ये मेल आईडी अवेलेबल है या नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको मिल जाएगा, हो सकता है ये मेल आईडी ऑलरेडी किसी ने ले रखी हो। तो आप क्या करोगे, वरुण सिंगला डालोगे, आप चेक करोगे अवेलेबिलिटी है या नहीं। अगर किसी ने भी ना ली हुई तो वहां पे वो दिखा देगा अवेलेबल है। अगर ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो आपको क्या दिखाएगा वो, कि चेंज द नेम। अब आप नेम में चेंज कर देते हो, कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसे न्यूमेरिक कुछ डाल दोगे, तो ये एक तरह से क्या है, आपने कंडीशन लगा दी कि जब भी नई मेल आईडी बनेगी वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई भी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि दो बंदों के पास एग्जैक्टली सेम जीमेल का एक मेल सर्वर का अकाउंट है। हाँ, याहू मेल और जीमेल का हो सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ जीमेल की बात करें तो दो बंदों का सेम जीमेल अकाउंट जो है वो मेल आईडी नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ डिफरेंस, चाहे डॉट का, स्लैश का, कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो होगा। ऐसे जब हम पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड के टाइम क्या दिखाता है वो, कि लेंथ ऑफ द पासवर्ड शुड बी दिस, मतलब 8 करेक्टर, 10 करेक्टर की लेंथ होनी चाहिए, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए लाइक @ है, हैश, एक न्यूमेरिक जो है होना चाहिए या अल्फाबेटिकल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये क्या है एक्चुअल में, ये कंडीशंस है, ये कंस्ट्रेंट्स है, ताकि यूजर जब डेटा डाले तो यूजर उस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा डाले। तो हम SQL में भी जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर ऐसे नहीं कि कुछ भी डेटा डालता जा रहा है, हम कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन हम कहां पे लगाएंगे, याद रखना, कंडीशन हम लगाएंगे कॉलम्स के ऊपर, मतलब एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स के ऊपर अगर मैंने कंडीशन लगा दी तो उस एट्रीब्यूट में वही डेटा जाएगा जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, अदरवाइज वो डेटा नहीं जाएगा। तो SQL में स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक नाम से पता लग रहा है, यूनिक मतलब डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो आप कोई भी अगर एट्रीब्यूट, लेट्स से अगर आपने एट्रीब्यूट ले लिया मोबाइल नंबर, अब आप चाहते हो कि मोबाइल नंबर आपके टेबल में, आपने टेबल बनाया, उस टेबल में आपने मोबाइल नंबर को, लेट्स सपोज आपने यूनिक बना दिया। अब मोबाइल नंबर को यूनिक बनाने का मतलब क्या है, कि जब भी यूजर इसके अंदर डेटा डालेगा तो वो मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती एक कॉलम के अंदर, सिर्फ उस कॉलम के अंदर, जिस कॉलम को आप यूनिक बना रहे हो उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आपकी यूनिक आएंगी, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, यूनिक कंस्ट्रेंट का। इसके बाद आता है हमारे पास नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है, नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब एम्प्टी, मतलब वैल्यू जो है वो नॉट अवेलेबल है या नॉट एप्लीकेबल है। नल का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैंने यहां पे मोबाइल नंबर ही अगर मैं बनाना चाहता हूं, या कोई और कॉलम हम यहां पे ले लेते हैं, लेट्स से मैंने यहां पे कॉलम ले लिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी को लेट्स सपोज मैंने नॉट नल नहीं बनाया, तो क्या होगा, यूजर के पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो वो इसको खाली छोड़ सकता है, मतलब इसको वो नहीं भरेगा तो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको नॉट नल बना दिया तो यूजर इसको खाली
नहीं छोड़ सकता, उसको इसमें कुछ ना कुछ भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नल मतलब एम्प्टी नहीं रह सकती, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आपको डालनी ही पड़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे वेब पेज, कई बार हम वेब कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो जब हम सबमिट करते हैं तो आपको वहां पे रेड कलर में ऐसे स्टार दिखा देते हैं, वो क्या होता है, वो होता है मैंडेटरी वैल्यूज, मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो वो होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो कोई भी कॉलम को अगर आप नॉट नल बनाते हो तो उसमें यूजर को वैल्यू देनी ही पड़ेगी। नल में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल का मतलब है जीरो, नहीं, जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू, नल का मतलब है वो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, दैट इज कॉल्ड अ नल। तो नॉट नल का मतलब है एम्प्टी नहीं रह सकती, आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तीसरा इसके बाद आता है हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यूनिक और नॉट नल का कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, यूनिक प्लस नॉट नल, मतलब वो कॉलम उसमें एक तो डेटा यूनिक भी होगा और उसमें नल वैल्यू भी अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे एम्प्लॉई के टेबल में एम्प्लॉई आईडी, अब एम्प्लॉई आईडी हर एक एम्प्लॉई की एम्प्लॉई आईडी होगी और वो यूनिक होगी, और ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉई है कंपनी के अंदर जिसके पास एम्प्लॉई आईडी नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जब रिक्रूटमेंट होगी, रिक्रूटमेंट के टाइम ही आपको एम्प्लॉई आईडी मिल जाएगी, और ये एम्प्लॉई आईडी क्या होगी, ये यूनिक होगी। ऐसे स्टूडेंट के टेबल में बात करें तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, तो हर एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर भी होगा और वो यूनिक भी होगा, तो यानी वो क्या बन गया, यूनिक और नॉट नल। और वैसे भी प्राइमरी की जो है वो डेटाबेस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल फ्लेज वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इवन सजेस्टेड वीडियो में भी आपको जो है वो लिंक इसका मिल जाएगा। प्राइमरी की होती कैसे, क्या है, हम कैसे लगाते हैं, जो प्रोग्रामिंग पार्ट है वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें ताकि आपको इसका पूरा आइडिया हो जाए। देन फोर्थ आती है हमारे पास यहां पे चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि वैल्यू डालने से पहले आपको चेक करना है। चेक मतलब लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉलम है एज, और अब मैं एज में वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं, लेट्स से मैंने एज को इंट रखा, अब यूजर इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, एज में डाल दी उसने वैल्यू -10, तो इज इट पॉसिबल कि एज की वैल्यू -10, नहीं, तो लेकिन यूजर तो डाल सकता है, कोई भी वैल्यू डाल सकता है। हम यहां पर चेक कंस्ट्रेंट लगा देंगे इस तरीके से, चेक एज ग्रेटर देन लेट्स सपोज 18, मतलब हमने यहां पे कंस्ट्रेंट लगा दिया कि जो एज है वो 18 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यूजर जब भी डेटा डालेगा, अगर यूजर ने डाल दिया लेट्स सपोज 10, तो वहां पे एरर आ जाएगी, वो 10 वैल्यू जाएगी नहीं। अगर यूजर 20 डालता है तो यस, चेक के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ठीक है, तो वो ये वैल्यू चली जाएगी। तो चेक का मतलब क्या है कि अगर हम कोई फिक्स करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि यूजर इस डोमेन से ही, मतलब इन कुछ वैल्यूज में से ही यूजर कोई ना कोई वैल्यू डाले। जैसे हमने एड्रेस, एड्रेस पे मैंने चेक लगा दिया, एड्रेस के ऊपर मैंने लेट्स सपोज चेक लगा दिया कि जो मेरा एड्रेस है वो मेरा या तो लेट्स दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या लेट्स से मुंबई हो, इसके अलावा कोई भी सिटी जो एड्रेस आप नहीं डालना चाहते, मतलब आपने डोमेन फिक्स कर दी कि इन तीन सिटीज में से ही होना चाहिए, तो आप क्या करो, चेक कंस्ट्रेंट लगा दो एड्रेस के ऊपर कि आपका जो एड्रेस है वो या तो दिल्ली, चंडीगढ़ या मुंबई में से कोई भी हो सकता है, इसके अलावा अगर यूजर कोई भी एड्रेस बढ़ेगा तो वहां पे कोई ना कोई एरर जो है वो ना साथ के साथ आपको एरर दिखा देगा कि वैल्यू सिर्फ इन तीनों में से ही भरनी चाहिए। तो ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट किसका, चेक कंस्ट्रेंट का। देन हमारे पास फिफ्थ आता है यहां पे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, फॉरेन की विच इज ऑल्सो यूज फॉर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और फॉरेन की, और जैसा कि मैंने प्राइमरी की भी आपको बोला है, इन दोनों के ऊपर मैं स्टार मार्क कर देता हूं, क्योंकि फॉरेन की भी डेटाबेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है कि दो टेबल्स अगर है मेरे पास, तो एक टेबल अगर दूसरे टेबल से रेफरेंस ले रहा है, या इवन एक टेबल अपने ही टेबल से रेफरेंस ले रहा है, तो वो रेफरेंस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता सारी की सारी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी विद एग्जांपल्स
पूरा फॉरेन की जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है दो वीडियोस में, और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, इवन सजेस्टेड वीडियो में भी मिल जाएगा। तो आप फॉरेन की जो है वो जरूर चेक कर लें, क्योंकि फॉरेन की सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मिनट में पूछ लेंगे आपसे कि व्हाट इज फॉरेन की फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट है, और वो आपको उस वीडियो में पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। देन लास्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का सिंपल सा मतलब है, नाम से पता लग रहा है डिफॉल्ट, मतलब हम लेट्स सपोज मैं कॉलम है मेरे पास सैलरी, सैलरी के ऊपर सैलरी लाइक इंट, और इसको मैंने बना दिया डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने 10,000। मतलब जब भी आप नई वैल्यू इंसर्ट करोगे टेबल में, तो सैलरी को अगर आप कोई भी डेटा नहीं दे रहे, सैलरी के अंदर आप कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, 10,000 जो है वो डेटा ले लेगा। सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे आप अगर कोई वॉच या कोई भी अगर आप वॉच परचेज करने जाते हो, तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 10:10 लिखा होता है। वो 10:10 टाइम एक्चुअल में क्या है, वो एक डिफॉल्ट टाइम है। लेकिन जब आप घड़ी परचेज करोगे उसके बाद ऑब्वियसली आप उस टाइम को सेट कर लोगे जो भी प्रेजेंट टाइम होगा। लेकिन जो डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि कुछ भी हम एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि इन केस अगर मैं डेटा नहीं भी डाल रहा तो डिफॉल्ट उसमें ये वैल्यू अपने आप चली जाएगी, वो खाली नहीं रहेगा, मतलब वो एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ डेटा जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये है एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कंस्ट्रेंट का, यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी की, चेक, फॉरेन की एंड डिफॉल्ट। तो इन कंस्ट्रेंट्स को लगाने के बाद आप टेबल में डेटा, ऐसा नहीं कि कुछ भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि डेटा जो है वो इंसर्ट होगा बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस ओनली। तो आप किसी भी कॉलम को कोई भी जो है वैल्यू दे सकते हो, इवन कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। लाइक अगर आप एक ही कॉलम को यूनिक देना चाहते हो, यूनिक के साथ साथ आप उसके ऊपर चेक भी लगाना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो। और अगर आप लेट्स सपोज एक वीडियो एक को अगर आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो, अगर आप उसको फॉरेन की भी बनाना चाहते हो, तो हाँ उसके ऊपर भी आप जो है वो लगा सकते हो। ये इनके ऊपर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन सारे भी पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप यूनिक और नॉट नल दोनों लगाना चाहते हो, तो बेटर क्या है, आप प्राइमरी की लगा दो, बिकॉज ये यूनिक और नॉट नल दोनों है। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको जब कोडिंग करते हैं उस टाइम पे चेक करनी पड़ेगी। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट है इन कंस्ट्रेंट से रिलेटेड। थैंक यू।